दुश्मनों के लिए काल है अग्नि पांच। क्या है पाक चीन के लिए खतरे की घंटी? जानिए अग्नि पांच क्यों है इतनी खतरनाक। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन भारत अपनी सैन्य शक्ति लगातार बढ़ा रही है। इसी कड़ी में भारत ने अग्नि पांच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको बता दें कि ये परीक्षण भले ही चीन और भारत के बीच बढ़े तनाव के बीच किया गया हो, लेकिन इसकी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई। भारत ने पहले ही लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अपने इरादे की घोषणा कर दी थी और अरुणाचल के तवांग में हुई घटना से काफी पहले एयरमैन को नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दें, लंबी दूरी तक वार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पांच का सफल परीक्षण किया गया। 3000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु क्षमता से लैस इस मिसाइल को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया, जो परीक्षण के दौरान सभी मानकों पर खरी उतरी। इस मिसाइल की खूबी को परखने के लिए पहले भी कई बार इसके टेस्ट किए जा चुके हैं। इस बार भी ये टेस्ट के दौरान पूरी तरह से सफल रही। हालांकि ये अग्नि पांच मिसाइल पहले ही सेना में शामिल की जा चुकी है। अग्नि पांच की 5000 किलोमीटर की रेंज होने का मतलब है कि इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान और चीन तो है ही, साथ ही रूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया जैसे देश में कहीं भी निशाना लगाया जा सकता है। अग्नि पांच मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसे DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। अग्नि पांच का वजन 50,000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 17.5 मीटर है और इसका व्यास 2 मीटर बताया जा रहा है। खास बात यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो अग्नि पांच मिसाइल की रेंज बढ़ाने की क्षमता भी विकसित की गई है। कई रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि नई अग्नि पांच मिसाइल की मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर की है। इस मिसाइल का वजन 50 टन है, जो कि 1.5 टन तक न्यूक्लियर वारहेड ढोने में सक्षम है। बताते चलें कि अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली बहुत कम देशों के पास है। पाकिस्तान के पास ये प्रणाली है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, UV इंडिया न्यूज़।